आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने प्रचार के लिए एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। तेज प्रताप की इस पहल को उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव की ट्विटर चौपाल का जवाब बताया गया। और लालू यादव और राबड़ी देवी के नाम पर लॉन्च किए गए इस यूट्यूब चैनल में तेज प्रताप से जुड़े कई वीडियो भी दिखाई दिए। रणभूमि में शंखनाद करके देखो पुकार रहा है, तेज प्रताप पुकार रहा है। यही नहीं, तेज प्रताप यादव ने खुद अपने नए चैनल की जानकारी भी दी। दोस्त की तरह, आपके भाई की तरह एलआर न्यूज हमेशा आपके साथ, हमेशा कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेगा। इससे पहले लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले लोगों से सीधे जुड़ने के लिए ट्विटर चौपाल लगाई थी, जिसके जवाब में पहले तो तेज प्रताप ने जनता दरबार लगाकर लोगों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की और फिर सोशल मीडिया पर भी अपना दबदबा बढ़ाने के मकसद से यूट्यूब चैनल ही लॉन्च कर दिया, जिसने बिहार में आरजेडी के विरोधियों को उस पर हमले का मौका दे दिया। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच शीत युद्ध है, इसमें कोई शक नहीं है। एक भाई ट्विटर चौपाल लगाते हैं, दूसरे भाई एक यूट्यूब चैनल प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि पटना में कर्पूरी जयंती के कार्यक्रम में करीब एक साल बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने एक साथ शामिल होकर परिवार में एकजुटता दिखाने की कोशिश जरूर की। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को मात देने के लिए अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर गए। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल इन दोनों नेताओं पर जमकर बरसे और बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी के पीएम उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसके चक्कर में मत पड़ जाना, जो मर्जी बने प्रधानमंत्री, मोदी और अमित शाह के अलावा जो भी प्रधानमंत्री बन रहा होगा हम उसको समर्थन कर देंगे। लेकिन कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल के किसी बयान पर भरोसा नहीं। आम आदमी पार्टी में तो सवेरे कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं, जिनकी कोई नीति नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, उस पार्टी के किसी भी स्टेटमेंट को हम किस तरह लेंगे।